बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन सोशल मीडिया में। दोस्तों इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको लेकर आऊंगा वेदांता ग्रुप की जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी प्राइवेट जॉब में आप वेदांता ग्रुप के साथ जुड़कर उनसे ट्रेनिंग लेके कैसे नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उनकी पूरी प्लानिंग बताऊंगा, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ है वो बताऊंगा, आप ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा, ट्रेनिंग में फीस कितनी लगेगी वो बताऊंगा, और ट्रेनिंग करने के बाद कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है वो बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए चैनल के साथ इंडियन सोशल मीडिया। दोस्तों तो मैं आपको लेके आ गया हूँ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं हम है वेदांता ग्रुप के ब्रोशर के साथ, और हम इस ब्रोशर को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और सारी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, और सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर। दोस्तों कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है आने वाले 5 सालों में हर साल 7.1% की दर से बढ़ रहा है। आज की डेट में 2020 में ये 5 बिलियन डॉलर की कंपनी थी, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, क्योंकि 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज बनने वाली है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाले हैं, नए रेलवे स्टेशनों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 6 बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट है इनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इस कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसियां निकलने वाली है। वेदांता ग्रुप और क्वेस्ट कॉर्प फाउंडेशन का जो टारगेट है वो है कि 1 साल में कम से कम 1 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देना और उनको जॉब लगाना कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, तो ये इनका टारगेट है। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, और कौन कौन से सेक्टर से आप नौकरी करके थोड़ा बहुत पैसा अपना बना सकते हैं, कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उनके सेक्टर्स में। वैसे आप इस ब्रोशर में देखेंगे कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अपना एक नजरिया पेश किया है ट्रेनिंग करने के बाद, और उनको क्या जॉब मिली है, कैसे जॉब मिली है, उनके उन्होंने अपना जो शेयर किए हैं थॉट्स वो भी इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। चलिए तो मैं आप लेके चलता हूं आपको कि कहां से आपको समझ में आएगा। आप देखेंगे यहां पे अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियन और एसोसिएट इलेक्ट्रिशियन और चीफ इलेक्ट्रिशियन और सुपरवाइजर, इन सब की जॉब रोल्स में सैलरी का बहुत फर्क है, और इनकी सैलरी का फर्क आता है आपके एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप फ्रेशर है तो जॉब शुरू करने। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स में इनके पास जॉब अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक एक बहुत अच्छा सेक्टर है इनके पास, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा सेक्टर है इनके पास। ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक दोस्तों होता है जिसमें ऑनलाइन आजकल जो काम चल रहा है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ई डिलीवरीज का, ई लॉजिस्टिक्स का, वो इस सेक्टर के अंदर आता है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मतलब होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ये सारी चीजें आती है। हेल्थ केयर एक बहुत यूनिक सेक्टर है इनके पास, और इस सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेके इस सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, अलग अलग तरह के। कंज्यूमर सेल्स इनके पास ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में अभी अगर आप जॉब करना चाहते हैं जैसे टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, वॉइस प्रोसेस है, बीपीओ इंडस्ट्री है, इसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये एक बहुत अच्छा सेक्टर, क्योंकि कई सारे बैंक्स में और कई सारी प्राइवेट कंपनियों में आजकल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या मैनेजर को पोस्ट किया जाता है, उनको अप्लाई वहां पे पोस्ट निकाली जाती है, इसमें भी आप ट्रेनिंग करके अच्छा एक करियर बना सकते हैं। डेटा साइंस है इनके पास, डिजिटल मार्केटिंग है इनके पास, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी आजकल बहुत फेमस हो रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कोर्स भी फेमस हो रहा है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, वेल्डिंग है, बैंकिंग सेल्स एंड मार्केटिंग है, अगर आप बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं, सेल्स इंडस्ट्री या मार्केटिंग इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं वो भी इनके पास। कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक वर्क्स, इलेक्ट्रिशियन वर्क्स में भी है, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियंस अगर कार में इंटरेस्टेड है, बाइक में इंटरेस्टेड है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आपके लिए काम कर सकती है। अगर आप मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड है, फाइनेंस एंड अकाउंट में इंटरेस्टेड है, तो इस सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं। इनका जो प्रोग्राम पार्टनर है दोस्तों जो ट्रेनिंग देता है वो है क्वेस्ट कॉर्प, यानी क्वेस्ट कॉर्प उनका प्रोग्राम पार्टनर है। आपको ट्रेनिंग क्वेस्ट कॉर्प देगा, और क्वेस्ट कॉर्प के अंदर भी एक कंपनी है जिसको आप कहते हैं एक्सलेंस,
टेक्सलेस कंपनी के माध्यम से ही ये बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब इनके क्लाइंट की बात कर लेते हैं जो जॉब्स प्रोवाइड करता है, जैसे विंडा कंपनी है, एक्साइड कंपनी है, हेबल्स कंपनी है, एशियन फ्लेम इंडिया कंपनी है, एशियन फाइन इंडिया कंपनी है, मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी फियाम है, ओवर है, ओरिएंटल व्यू दूध ट्रांसमिशन है, मदरसन इनोवेशन है, सुमी कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जॉब्स प्रोवाइड करती है। एडमिशन डिटेल्स की अगर हम बात करें तो आप एलिजिबल हैं अगर आप 10th पास, मिनिमम क्राइटेरिया उनके पास है 10th पास। वीकेंड में और वीकेंड डेज में यानी शनिवार या शनिवार के संडे शनिवार या दूसरे दिन भी वीकेंड क्लासेस इनकी लगती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम है ये दोनों, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम के बाद आप भी कर सकते हैं। इनका जो प्रोग्राम भी है वो थोड़ा सा महंगा है, पर मैं आपको बता दूं क्योंकि जो जॉब प्लेसमेंट है वो जेन्युइनली मिलता है और आपको ट्रेनिंग जेन्युइनली प्रोवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से 15,500 ठीक है, पर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सच में इतना देके ट्रेनिंग करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको जेन्युइनली जॉब की जरूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल उनके बाद जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मेरी बात हुई उनके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को लोन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि सैलरी से उनका पैसा कट जाए, जो कि एक अच्छी बात है। देखिए मैं आपको किसी तरीके की जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम आपको बताना है। अगर आपको इतनी फीस देके कोर्स करने के बाद अच्छा लगता है तो आप ये कोर्स करें, अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करें, जॉब कोर्स आपको इनकी तरफ से जरूर मिलेगी। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अवेलेबल इंडिया, ये लोकेशन है जहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मिल जाता है। वैसे इनके सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको वेबसाइट पे भी सारी डिटेल मिल जाएगी। और इनका जो एड्रेस है ये है वेदांता फाउंडेशन वीरनगंज कॉर्नर रोड मरीन ड्राइव मुंबई, और क्वेस्ट कॉर्प का जो ऑफिस है वो है कर्नाटक बेंगलुरु में। तो दोस्तों ये थी आपको डिटेल जो मुझे देनी थी वेदांता ग्रुप और क्वेस्ट कॉर्प फाउंडेशन के बारे में।